हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वर्ल्ड। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो होगा 2023 में, इसके लिए आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आशा है कि आप लोग अपने शेड्यूल को फॉलो करते हुए, टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी 2022 वाले सीएचएसएल के प्री के लिए कर रहे होंगे। तो आपका टाइम और मेरा टाइम, दोनों लोगों का टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो बिना वेस्ट करते हुए हम अपने आज का टाइम टेबल बता दे रहे हैं कि मुझे आज रात में क्या करना है। तो एसएससी सीएचएसएल ये 2023 वाला ही है, जो भी 2023 में होगा, सॉरी 2022 वाला, ठीक है। तो आज नाइट का जो मेरा प्लान है वो 9 बजे मैं पढ़ने बैठूँगा। 9 बजे पढ़ने बैठने के बाद 9 से 12 बजे तक मैं पढ़ूँगा जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी क्या क्या मैं पढ़ूँगा, जियोग्राफी में पढ़ूँगा लेक्स, नेशनल पार्क्स, ठीक है, डैम्स मैं पढ़ूँगा। इसके बाद वैलीज पढ़ूंगा, हिमालय रिवर सिस्टम जो है उसको पढ़ूंगा। और इसमें एक टॉपिक और है जिसको हम पढ़ेंगे, वोल्केनो को भी पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ज्योग्राफी का, जो हम पढ़ेंगे आज 9 बजे से 12 बजे तक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्लॉट होगा उसमें हम पढ़ेंगे 12 से 3 बजे तक हिस्ट्री, और हिस्ट्री भी हम मॉडर्न हिस्ट्री को आज कंप्लीट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। जो एसएससी लेवल पे आएगी उसको हम आज बिल्कुल अपने अच्छी तरह से फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लॉट है वो है आज नाइट का 3 से 4:30 AM का, जिसमें हमें आज वोकैब पढ़नी है, ठीक है। ये हमारा रह गया। और वोकैब भी हम कहाँ से पढ़ेंगे, सोर्सेस कहीं किसी के भी कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो सोर्स रहेगा, मेरा सोर्स है नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ये मेरा सोर्स रहेगा स्टडी का। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन बस पढ़ना है आपको। इम्पोर्टेंट ये है कि आप लगातार स्टडी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मेन चीज़ ये है, निकल करके आती है। और रही बात आज मेरे मैथ्स और रीजनिंग की, तो मेरा मैथ्स प्लस रीजनिंग का कोई स्लॉट नहीं है, ठीक है। आज मैं कोई रीजनिंग नहीं पढ़ूंगा, ना ही मैथ्स पढ़ूंगा। मेरा केवल और केवल आज जीएस के लिए है। इसी तरह से मेरा कल नाइट का जो शेड्यूल होगा, उसी तरह मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोग इसी तरह से अपने शेड्यूल को बनाओ और उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करो, ठीक है। शेड्यूल बनाने से और ऐसे ही तैयारी करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो बेटर रहेगा कि आप लोग इसी तरह से शेड्यूल बनाओ, डेली का शेड्यूल बनाओ। इसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा नेक्स्ट संडे को 1 वीक का कितना आउटकम आएगा। आउटकम ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कल के टाइम टेबल के स्लॉट में। थैंक यू, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आप भी आगे बढ़ते रहिए। दोनों मिलकर के कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ज़रूर ही सक्सेस होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।